हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मंडियों में सोयाबीन के भाव आज क्या बिके 23 जनवरी 2020 को। इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो लास्ट में छोड़ के जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मालूम नहीं चलता है कि कौन से मंडी में क्या भाव कल थे और क्या भाव आज हैं। ये पूरी डिटेल में आप लोग को मालूम नहीं चलता है, तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का हमारे किसान भाइयों लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल में बताऊँगा कि कौन सी मंडियों में क्या रेट चले हैं आज और कौन सी मंडियों में नरमी चली है, तो पूरी डिटेल में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे फर्स्ट में कौन सी मंडी आती है। तो अरनी मंडी में आती है दोस्तों 3700 से लेकर 4220 रुपया, और आवक की यहाँ पे बात किया जाए तो 24 टन की रही है दोस्तों। वहीं पे मैं बात करूँगा अलॉट मंडी में, तो अलॉट मंडी में दोस्तों 3700 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है, और आवक की बात किया जाए तो 125 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा अरवी मंडी में, तो अरवी मंडी में भी दोस्तों 3600 से लेकर 4141 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 15 टन की रही है। अकोला मंडी की बात करूं तो अकोला मंडी में दोस्तों 3100 से लेकर दोस्तों 4100 का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 1 टन की रही है। अमलनेर मंडी में बात करूं तो अपन अमलनेर मंडी में दोस्तों 4000 से लेकर 4250 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 200 टन की रही है। वहीं पर मैं नेक्स्ट में बात करूँगा अम्बेजोगाई मंडी में, तो अम्बेजोगाई मंडी में भी दोस्तों 3100 से लेकर 4010 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो ओनली 2 टन की ही रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा औसा मंडी में, तो औसा मंडी में दोस्तों 3500 से लेकर 4250 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 27 टन की आवक रही है। भोकर मंडी की बात करो तो भोकर मंडी में 2900 से लेकर दोस्तों 4105 रुपये देखने को मिली है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 18 टन की आवक रही है। चाकुर मंडी की बात करूं तो चाकुर मंडी में दोस्तों 3850 रुपये से लेकर 4200 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक दोस्तों 11 टन की रही है। वहीं पर मैं नेक्स्ट बात करूंगा चिकली मंडी में, तो चिकली मंडी में दोस्तों 3771 रुपये से लेकर 4301 रुपये का भाव देखने को मिले हैं, आवक दोस्तों 77 टन की रही है। चोपड़ा मंडी की बात कर ले चोपड़ा मंडी में तो दोस्तों 3499 रुपये से 4180 रुपये का भाव देखने को मिली है, आवक दोस्तों 2 टन की रही है। जालना मंडी की बात करूं तो जालना मंडी में दोस्तों 3005 रुपये से लेकर 4200 का भाव था, आवक दोस्तों 53 टन की रही है। करंजा मंडी की बात करूं तो करंजा मंडी में 3375 रुपये से लेकर 4210 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 400 टन की रही है। कटोल मंडी की बात कर लें यहाँ पर, तो कटोल मंडी में दोस्तों 3700 से लेकर 4151 का भाव देखने को मिला है, और आवक की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर 22 टन की रही है। लासनगांव मंडी में बात करो तो 2500 से लेकर 4280 रुपये का भाव देखने को मिली है, आवक की बात किया जाए तो 39 टन की रही है। लासनगांव मंडी में बात करो तो लासनगांव निभार मंडी में दोस्तों 3200 से लेकर 4290 रुपये का भाव देखने को मिली है, आवक दोस्तों 20 टन की रही है। लातूर मंडी में बात करो तो लातूर मंडी में दोस्तों 3900 से लेकर 4380 का भाव देखने को मिला है, और आवक की बात किया जाए तो 215 टन की रही है। माजलगांव मंडी में बात करूं तो माजलगांव मंडी में दोस्तों 3300 से लेकर 4050 रुपये का भाव देखने को मिली है, आवक दोस्तों 19 टन की रही है। मलकापुर मंडी में बात कर ले तो मलकापुर मंडी में 3275 रुपये से लेकर दोस्तों 4180 रुपये का भाव देखने को मिला है, और आवक की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 41 टन की रही है। मैकर मंडी में बात कर ले तो मैकर मंडी में 3500 से लेकर 4350 रुपये का देखने को रेट मिला है, और आवक की बात किया जाए तो 85 टन की रही है। रजौरा मंडी की बात करें तो रजौरा मंडी में 3800 से लेकर 4275 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 7 टन की रही है। अंबड़ मंडी की बात कर ले यहाँ पे, तो अंबड़ मंडी में भी दोस्तों 3176 रुपये से लेकर 3900 का भाव देखने को मिली है, आवक दोस्तों 2 टन की रही है। गंगाखेड़ मंडी में बात करूँ तो गंगाखेड़ मंडी में दोस्तों 3600 से लेकर 4000 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 10 टन की रही है। गेवराई मंडी की बात करूं तो गेवराई मंडी में 3600 से लेकर दोस्तों 4100 का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर बात कर लें यहाँ पे दोस्तों तो 4 टन की रही है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे हिंगोली मंडी में, तो हिंगोली मंडी में 3600 से लेकर दोस्तों 4200 का भाव देखने को मिला है, 4250 रुपये, और आवक की बात किया जाए तो दोस्तों 36 टन की रही है। जामखेड़ मंडी में बात कर लें दोस्तों, तो जामखेड़ मंडी में 3700 से लेकर 4000 रुपये का भाव देखने को मिला है, आवक की अगर यहाँ पर बात कर लूँ दोस्तों तो 10 टन की रही है।
कोपरगांव मंडी में बात करूं तो 3200 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक यहां पे दोस्तों 50 टन की रही है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं राता मंडी में, तो राता मंडी में दोस्तों 4000 से लेकर 4200 का भाव देखने को मिला है। अगर आवक की बात कर लें यहाँ पे दोस्तों तो 4 टन की रही है। सादा मंडी की यहाँ पे बात करूँ तो सादा मंडी में दोस्तों 4100 से लेकर 4400 का भाव देखने को मिला है। आवक की अगर बात कर लें दोस्तों तो 1 टन की रही है। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सेवगांव मंडी में, तो सेवगांव मंडी में 3700 से लेकर दोस्तों 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 1 टन की रही है। तासगांव मंडी में बात करूँ तो यहाँ पे तासगांव मंडी में दोस्तों 4000 से लेकर 4300 का भाव देखने को मिला है। अगर आवक की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों तो दोस्तों 3 टन की रही है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।